सीधे रुख करेंगे शीतकालीन सत्र का। आपको बता दें कि आज सत्र का दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। दुर्भाग्य और चिंताजनक है छत्तीसगढ़ की स्थिति। मैं सीधे प्रश्न में आता हूं बिना भूमिका के, छत्तीसगढ़ ने कितने खेलों में भाग लिया, राष्ट्रीय खेल में कहां कैंप लगा के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया, सिलेक्शन कर्ता कौन कौन थे, माननीय अध्यक्ष महोदय खिलाड़ियों की चयन ओलंपिक संघ द्वारा की जाती है अलग अलग संघों के माध्यम से और उनकी चयन की पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा की जाती है। और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने खिलाड़ियों के बीच से कितने खिलाड़ियों का चयन किसके द्वारा कहां कहां गया, मतलब कैंप कहां लगाया गया चयन के लिए किसके द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रपत्र में सारी जानकारी है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय से पढ़ देता हूं। नहीं नहीं पढ़िए नहीं, मैं बता देता हूं अध्यक्ष महोदय को और पूरा छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। हाँ जी माननीय अध्यक्ष महोदय प्रपत्र को मैं पढ़ रहा हूं। भारतीय तीरंदाजी संघ छत्तीसगढ़ की टीम का भारतीय तीरंदाजी संघ सिलेक्शन करेगी छत्तीसगढ़ की टीम का। केन्या योगासन नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया उसु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आप ऐसे ही भारतीय संघ ने यहां के टीम का सिलेक्शन किया और ओलंपिक संघ के तहत संघ करती है या मंत्री जी बोल रहे हैं, सारी जानकारी इसमें है बोल रहे हैं। तो ये भारतीय संघ कौन सी तारीख को उनके कौन से अधिकारी आए चयन के लिए और कितने लोगों के बीच से उन खिलाड़ियों का चयन किया गया, ये आपने लिखा है राष्ट्रीय संघों का नाम ये चयन करता है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय जो अलग अलग संघ है उनके माध्यम से ये चयन होता है और इस चयन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सारे चयनों अलग अलग संघों के द्वारा किया गया है और इसमें कुछ प्रश्न तो बनता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय फिर मैं पूछ रहा हूं कितने खिलाड़ियों ने, अब किसने चयन किया है, अब बात घुमा दिया सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ओलंपिक संघ के अलग अलग संघ चयन करते, आप ये बता दीजिए कि कितने खिलाड़ी एकत्र हुए, 100 लोग बैडमिंटन के लिए आए होंगे, 5 लोगों की टीम का आपने निर्णय लिया होगा उस खेल ने, तो उस 5 लोगों का उदाहरण है, 5 लोगों का सिलेक्शन किसने कब किया और उसके बाद उसके कोचिंग कैंप कहां लगाए गए, ये मैं पूछ रहा हूं टीम के लिए। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दीजिए। आपको कोई विशेष जानकारी है क्या, कहीं गड़बड़ी हुई है? साहब गड़बड़ी के लिए नहीं लगाया हूं मैं। अच्छा आप ये देखिए पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक टीम तो अपने खर्चे पे गई, दुर्भाग्यजनक स्थिति जिस प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं अपने खर्चे में खिलाड़ी लोग गए और पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो 32 करोड़ रुपया राजीव गांधी मैदान क्लब को दिया गया। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो खेल की दुर्दशा इनकी भर्राशाही इसकी अनियमितता पर है ये प्रश्न, आगे पूछूंगा तो और साबित होगा वो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन खेलों की जो दुर्दशा है आप देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं फिर आप ये नहीं कहेंगे। पूछिए सर आपका हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं नहीं इसको खोलने का कारण है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कोच के मापदंड है माननीय अध्यक्ष महोदय वो कम से कम ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी या दोनों चार अवार्डी होते हैं। हमारे कोच क्या थे 480 रुपया प्रतिदिन उनको दे रहे थे। उस मैं आगे पूछूंगा उसको किसने तय किया। जो नैना धाकड़ है या भुवनेश्वरी यादव है समझ रहे ना, और आरुषि कश्यप जो बैडमिंटन अभी जीती, 1 रुपये का प्रोत्साहन उनके द्वारा नहीं हो उनको, तीनों महिला खिलाड़ी। अरे आपको प्रश्न क्या है पूछ, अरे प्रश्न उनको जो कारण पूछे इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे तो प्रश्न पूछ नहीं रहे, प्रश्न को तो आप कहना है ओलंपिक संघ इसका इनका तकलीफ के वाले है कि राजीव गांधी क्लब वाले को नहीं है। ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है आप मेरा करने का, अलग अलग संघों द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है और उनके द्वारा ये चयन किया गया है।
जहां तक बात आ गई पैसे देने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार है पैसा सीधा ओलंपिक संघ को दिया जाता है। हमने 32 लाख रुपए ओलंपिक संघ को दिया है और अभी 13 लाख और देने, क्योंकि उनके तरफ से डिमांड आया कि इतना और। यहाँ पर शीत सत्र का आज दूसरा दिन है, हंगामे के साथ दूसरे दिन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठा है। स्पीकर चरणदास महंत ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं। डीएमएफ की राशि के खर्च की अब जांच की जाएगी। और इस तरीके से लोकधन की लूट होगी इस सरकार में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामे के साथ दूसरे दिन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। कल भी जमकर हंगामा हुआ था जब आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करने को लेकर, राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। आज डीएमएफ की राशि पर जांच के निर्देश दिए हैं स्पीकर ने। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आज डीएमएफ की राशि पर जो चर्चा हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है और आगे कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा होनी है? देखिए, अगर हम बात करें तो आज रिलायबिलिटी और टैलेंट में ट्रेनिंग के नाम पर डीएफ की राशि की बंदरबाज करने का मामला उठा और इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है सौरभ सिंह ने उठाया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डीएमएफ की राशि के दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका बंदरबाज किया जा रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो इन पैसों का बंदरबाज कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा कि मधुमक्खी पालन, मछली पालन, जूट उत्पादन, ग्राम सभा विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग जैसी दिलवाई जा रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद उसका कोई औचित्य नहीं निकल रहा और इस ट्रेनिंग के नाम पर खुलकर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर लगातार हमला किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सिर्फ मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए 52 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 29-30 जून को ही 30 करोड़ रुपए का काम जारी कर दिया गया था। ये गंभीर मामला है और इस पूरे मामले में जिस तरह से डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशिक्षण के नाम पर गड़बड़ हो रहा है, उसकी जांच सदन की कमेटी से कराए जाने की मांग की। तो इस पर काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष पर इसमें बहस नोकझोंक होते रही और अंत में प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने उन्होंने निर्देश दिया कि पिछले सरकार के 5 साल के कार्यकाल में और इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जो भी डीएमएफ की राशि खर्च हुई, जहां खर्च हुई और प्रशिक्षण के नाम पर कितना खर्च हुआ है, इस पूरे मामले की जांच करें। क्योंकि जब ये मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए डीएमएफ की राशि के दुरुपयोग का मामले का आरोप लगा रहे थे और विपक्ष के लोग कांग्रेस के सरकार में हुए डीएमएफ की राशि का मामला उठा रहे। तो इसको देखते चरणदास महंत ने कहा कि दोनों के कार्यकाल में जो राशि खर्च हुई उसकी जांच की जाए। राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।